नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। मुंबई से सटे ठाणे के कलवा में 43 विक्रांत हाउसिंग सोसाइटी में आज सुबह 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल से स्लैब गिर गया। वहीं स्लैब गिरने से 3 लोग घायल हो गए। RDMC के मुताबिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को सुबह करीब 10 बजे के आसपास घटना की सूचना मिली कि कलवा ठाणा पश्चिम के मनीषा नगर में तरन झील के पास स्थित विक्रांत 43 भवन का स्लैब ढह गया। वहीं इमारत एक ग्राउंड प्लस 3 मंजिला संरचना है और लगभग 38 वर्ष पुरानी है। वहीं पहली मंजिल पर कमरे के नीचे एक सैलून पर स्लैब गिर गया। भूतल पर 6 दुकानें और 2 कमरे है। वहीं इमारत की पहली मंजिल में 6 कमरे है। वहीं घटना में घायल लोगों की पहचान 20 वर्षीय आयुष जानू धमाने के रूप में हुई। उन्हें सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई है। वहीं 19 वर्षीय कादिर सलमानी सैलून कर्मचारी, उनके हाथ में मामूली चोटें आई है। और 16 वर्षीय पार्थ नीलेश पाटेकर, जो बाल कटवाने के लिए सैलून आया हुआ था, उसकी आंख और पीठ पर भी चोट आई। वहीं RDMC ने कहा कि उपरोक्त सभी घायलों को मनीषा नगर के प्रमीला अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज वहां चल रहा है। वहीं RDMC ने कहा कि एहतियात के तौर पर इमारत के भूतल पर सभी 6 दुकानों और कमरों को भी खाली करा दिया गया। पेश है ठाणे की यह एक रिपोर्ट।